हाय बेचारे, कब आओगे तुम लोग? नहीं आओगे ना भाई? कहाँ टाइम मिलता है तुम लोगों को? लाइफ एंजॉय करने का कहाँ टाइम मिलता है? अबे नहीं करो, ओए ओए, ये लगा हुआ है मछली, अभी पकड़ लिया भाई मैंने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ आपका भाई राजा इरफान। ये मेरे पीछे बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, इनको टेट्रापोड्स कहा जाता है। इनकी मदद से ये पूरा चाइना पोर्ट बनाया गया है, मैं आपको भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह पूरा। मेरे साथ रहे एंड तक और वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। काफी बड़े पत्थर है और इन पे चलना बहुत ही मुश्किल है, ये बताता चलूं मैं आपको। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये चाइना पोर्ट। हाँ भाई, तो कब आ रहे हैं चाइना पोर्ट? आ जाओ भाई, आके एंजॉय करो लाइफ को। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए भाई, ये देखिए क्या ही बेहतरीन व्यू है। ये देखिए, जो लोग आए वो तो भाई उनको पता ही है व्यू सुकून, और जो नहीं आए हाय बेचारे, कब आओगे तुम लोग? नहीं आओगे ना भाई? कहाँ टाइम मिलता है तुम लोगों को? लाइफ एंजॉय करने का कहाँ टाइम मिलता है? आ जाओ भाई, क्या कर रहे हो? आके एंजॉय करो लाइफ को, ऐसे ऐसे खूबसूरत जगहों में आओ, ऐसे बेहतरीन जगहों में आओ। इनका रोजगार सब यही है, मछली पकड़ते हैं, वापस आके बेचते हैं और जिंदगी गुजारते हैं। इग्नोर करना है मेरे बालों को, क्योंकि आपको पता है हवा तेज चल रही है, उस वजह से खराब हो गए हैं। मजे की बात यह है, ये टेट्रापोड्स काफी खूबसूरत व्यू दे रहे हैं, इनकी वजह से ये पोर्ट काफी मशहूर है और खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ का जो व्यू है ना, बेहतरीन व्यू है। दूर दूर तक कश्तियाँ नजर आ रहे हैं यहाँ पे। लोग समझते हैं कि ये टूरिस्ट के लिए नहीं, बाद में इसको टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया, लेकिन पहले जो इसको बनाने का मकसद था वो था ये चाइना पोर्ट, जो बड़े बड़े लहर आ जाते, तेज लहर आ जाते समंदर के, उससे बचाने के लिए। एक तरफ यहाँ पे आइलैंड है, ये रहा छोटा सा आइलैंड है, ये सूरज की शुआएं जब डायरेक्ट समंदर पे पड़ जाती है ना, तो बहुत ही प्यारा। ये क्या है, कोई बता सकता है इनका नाम क्या है? ये देखिए, ओ भाई जैसा कि आपको बताया था, जब सूरज की शुआएं पड़ जाती है समंदर में, बहुत ही खूबसूरत लुक आ जाता है। ये देखिए, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं ये इस खूबसूरती में और इजाफा कर देते हैं। ये देखिए, दूर दूर नजर आ रहे ना, सोचा था कि मछली पकड़ लूं, मछली पकड़ने वाला जाल ही नहीं होता वो मिला था, लेकिन फंस गया है पत्थरों के बीच में, नहीं निकल रहा। ये रहा
फंस गया है बीच में पत्थरों के, नहीं निकल रहा वो। जब भी कराची विजिट करें आप लोग चाइना पोर्ट ज़रूर विजिट करें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल जगह है। ये देखिएगा इस, ये तरीका है मछली पकड़ने का। भाई क्या नाम है भाई आपका? खान। ये इस तरीके से इनको चारा बनाते हैं मछली का, ठीक है। अब ऐसा डाल देंगे इसमें पानी में। अरे यार छोटा है, ये दिखाओ। ये देखिए मछली पकड़ लिया भाई। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, ये देख। अब इससे पीस बनाएगा। अच्छा इससे पीस बनाएगा। गाइस अभी मैं मछली पकड़ूंगा, आप पीस देखो। ये देख रहे हो, पकड़ लिया भाई मैंने। शिकारी बताओ, मैं शिकारी। ये लो आ जाओ भाई, बस हो गया। एक पकड़ना था मुझे। वैसे बहुत प्यारा मछली है यार ये, छोटा है ना। खाते हैं वैसे इसको? अच्छा यहाँ पे रश बिल्कुल नहीं रहता, जैसे क्लिफ्टन में होता है, सी व्यू में होता है, इस तरह रश नहीं होता है। पकड़ रहे भाई लोग मछली, पकड़ा हुआ है भाई। यानी तीन चार बजे के करीब करीब शिकार लगता है यहाँ पे, और इससे जो पहले जो भी आती है वो छोटी छोटी मछली पकड़ता है। अच्छा और ये क्या है, कीड़े? ये केंचुआ है। ये ओए, ये आंतड़े मुर्गी। अच्छा मुर्गी के आंतड़े इससे पकड़ते हो? ज्यादा स्मेल करती है ना तो मछली ज्यादा। ये भेजते हो आप लोग यानी अपने लिए खाने के लिए? लेकर आए। अच्छा खाने के लिए, देखते भाई क्या होता है। ये लगा हुआ है मछली अभी। अरे भाई सिर्फ समोसा मिलेगा भाई खाने के लिए इधर। पर इतना गहरा नहीं है पानी ये, और अपने पीछे भी देखा। अबे नहीं करो ओए ओए। चलते हैं भाई यार, ये लोग शाम तक खेलते रहेंगे। और कश्ती देख रहे, अभी ये जा रहे हैं मछलियां पकड़ने, यहाँ पे बैठ के जाएंगे ये लोग। तीन कश्तियां हैं, आप जाने की तैयारी में। इसे बांधते हुए पत्थरों से ये देखें। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आएगा, तो इसलिए सो प्लीज अपना और मेरे इस चैनल का जरूर ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।